भोपाल में प्रदेश के सभी सरपंचों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी तक पंचायती राज स्थापित नहीं हुआ है। सरपंचों के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी तक पंचायती राज स्थापित नहीं कर पाई। अब चुनाव आते ही मुख्यमंत्री नई नई घोषणाएं करने में लगे हुए हैं। कांग्रेसी सरकार ने पहले ही सरपंचों सहित जिला पंचायत अध्यक्ष व जनपद अध्यक्ष के अधिकारों को बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन शिवराज सरकार ने अभी तक उनके अधिकारों को दिया नहीं है। पंचायती राज के सभी अधिकार सरकार ने छीन लिए हैं, अब सिर्फ मानदेय बढ़ाने से क्या होता है। देश की जनता को चुने हुए जनप्रतिनिधियों को गुमराह करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये पूरी तरह से निंदनीय है। आप उनको अधिकार दीजिए, अधिकार संपन्न बनाइए, जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने 73वें 74वें संशोधन विधेयक जो हमारे भारतीय संविधान में हुआ था उसके तहत पंचायतों को जो अधिकार दिया, अब चुनाव में जीत आए, आपको लग रहा है पंचायती राज के जनप्रतिनिधि आपसे नाराज हैं, तो आप अधिकार देंगे कब देंगे, ये भी कोई समय सीमा सुनिश्चित नहीं है, भाषणों तक ही सीमित रहेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।